नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नंदिनी प्रिया। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, सभी दलों ने मिल बैठकर मामले को किया तय। जातीय जनगणना बिहार में बहुत अच्छे से होगा, काम शुरू होने में लगेगा 1 महीने का समय। बिहार डीजीपी एस के सिंगल का बयान, बिहार में क्राइम रेट में हो रहा सुधार, आइसोलेटेड घटना होती रहती है लेकिन उसे अपराध की गिनती में वृद्धि नहीं मांग सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा, साथ ही अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। आय से अधिक संपत्ति मामले में कटिहार में रजिस्ट्रार जय कुमार के आवास पर निगरानी की रेड, पटना पूर्णिया और कटिहार में एक साथ छापेमारी जारी। सिवान में मुसाद संगठन के पोस्टर से दहशत, आधा दर्जन लोगों को जान से मारने की दी गई धमकी। रघुनाथपुर प्रखंड के कौसठ गाँव का है मामला। बेतिया में 10 इंच जमीन के लिए पड़ोसियों ने गला काट कर युवक की हत्या, 2 महिला समेत 5 घायल। नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिण तेलुआ पंचायत का वार्ड संख्या 1 की यह घटना। शेखपुरा में बिजली तार के संपर्क में आने से किसान की हुई मौत, घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। नगर थाना क्षेत्र के भोजटी की यह घटना। नवादा में फरार अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, सब इंस्पेक्टर सहित 4 जवान घायल। वहीं पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, नगर थाना क्षेत्र के पांडेचक गाँव का है मामला। बेगूसराय में ट्रैक्टर पलटने से दबकर हुई चालक की मौत, परिजनों एवं ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। बलिया थाना क्षेत्र के मनसेरपुर शादीपुर पथ की घटना। वैशाली की ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बनकर घुसे 6 अपराधी, पिस्टल दिखाकर 2 करोड़ के आभूषण लूटकर हुए फरार। महुआ बाजार के पातेपुर रोड स्थित श्री कृष्ण ज्वेलर्स का है मामला। सहरसा पुलिस ने देसी कट्टा, कारतूस, 3 वाहन, 13 किलो गांजा, 10 पुड़िया स्मैक के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सासाराम सदर अस्पताल में सिस्टम की बत्ती गुल, टॉर्च की रोशनी में इमरजेंसी मरीजों का हो रहा इलाज। रोहतास में सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार की हुई मौत, अग्रेर थाना क्षेत्र के मोकर की यह घटना। वहीं शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी टाउन थाना पुलिस। सिवान में सीएसपी से 5 लाख लूट मामले में 3 अपराधी हुए गिरफ्तार, बसंतपुर थाना क्षेत्र के सरकोला में वारदात को दिया गया अंजाम। 17 साल बाद शेखपुरा कोर्ट का फैसला, पूर्व सांसद राजू सिंह हत्याकांड में 5 आरोपित बरी। 2005 में हुई थी पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू सिंह की हत्या। मुजफ्फरपुर में वीडियो की कुर्सी पर बैठ राजद विधायक सुनने लगे जनता की फरियाद, जिसका वायरल हो रहा वीडियो। वहीं राजद विधायक अमर पासवान ने स्वीकारी कुर्सी पर बैठने की बात। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में अब मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी के आधार पर होगा आवेदन। अगले हफ्ते शुरू होगी पीजी सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया। बिहार में फेल फिटनेस पर प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना माफ, परिवहन विभाग ने सभी डीईओ को जारी किया निर्देश। मुजफ्फरपुर में दूधिया रोशनी से जगमग होगा कांवरिया पथ, लगाई जाएगी एलईडी लाइटें। श्रावणी मेला की तैयारी हो रही, सुबह डीएम ने नगर आयुक्त को दिया निर्देश। पटना में पकड़ा गया स्कैम कारोबारी, लोगों ने पकड़ के किया पुलिस के हवाले। जांच में जुटी पुलिस, थाना क्षेत्र के अय्यापुर का है मामला। अभी के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपने सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़। सच की आवाज़। नमस्कार।